सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं सन्नी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सन्नी एडू क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2023 की अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ देर ना करते हुए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही सुखविंदर सिंह सुक्खू है जो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला लोकल और धर्मशाला शीतकालीन है। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो जस्टिस अमजद ए सैयद नाम है। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट 4 है, राज्यसभा की सीट 3 है और विधानसभा की सीट 68 है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है ममता बनर्जी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही ममता दीदी हैं जिन्हें अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम ममता बनर्जी है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर सीबी आनंद बोस, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायाधीश के जो न्यायाधीश बने हैं वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और पश्चिम बंगाल के लोकसभा की सीट 42 है और राज्यसभा की सीट 16 है और विधानसभा की सीट 295 है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स एक क्लास आपको कहीं नहीं कहीं पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है भगवंत मान। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही भगवंत मान जी हैं जिन्हें अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम भगवंत मान है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब राज्य के राज्यपाल जो हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब राज्य के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम कुलदीप सिंह है। आप सभी, ये सभी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। पंजाब राज्य के लोकसभा की सीट 13 है और राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 117 है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। आप देख सकते हैं, ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्हें अभी हाल ही में बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य की राजधानी पटना है, बिहार राज्य के राज्यपाल हैं फागू चौहान, बिहार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम जस्टिस संजय करोल है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य के जो लोकसभा की सीट है 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है और विधानसभा की सीट 243 है। फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है हेमंत बिस्वास शर्मा। आप देख सकते हैं, ये वही फोटो में हेमंत बिस्वास शर्मा जी हैं जिन्हें भी हाल ही में असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम हेमंत बिस्वास शर्मा है। देखिए फ्रेंड्स, असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, असम राज्य के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी, असम राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस रश्मीन भाई छाया। देखिए फ्रेंड्स, असम राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 14 है और राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 126 है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर याद नहीं हो पाएगा तो अब वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए, आप ध्यान से याद करते रहिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है पिनराई विजयन। आप देख सकते हैं फोटो में, ये वही पिनराई विजयन है, इन्हीं को अभी हाल ही में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम पिनराई विजयन है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम,
केरल राज्य के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और केरल राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस एस मणि कुमार। देखिए फ्रेंड्स, केरल राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है और विधानसभा की सीट 126 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है प्रेम सिंह तमांग। आप देख सकते हैं फोटो में, ये वही प्रेम सिंह तमांग है जिन्हें अभी हाल ही में सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम प्रेम सिंह तमांग है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? तो गंगा प्रसाद नाम है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम राज्य के अंदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो जस्टिस विश्वनाथ सोमहर नाम है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की सीट भी 1 है और विधानसभा की सीट 32 है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अभी हाल ही में SSC GD के अंदर पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है नेफ्यू रियो। आप देख सकते हैं फोटो में, ये वही नेफ्यू रियो जी हैं, इन्हीं को भी हाल ही में नागालैंड के अंदर नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम नेफ्यू रियो है। देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं जो असम के राज्यपाल भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस रसमन मनहर भाई छाया। नागालैंड के अंदर लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 60 है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मणिक साहा, देख सकते हैं ये वही मणिक साहा है, इन्हीं को भी हाल ही में त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम मणिक साहा है। देखिए फ्रेंड्स, त्रिपुरा के अंदर ये जो मणिक साहा हैं, इनको अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात हो रही है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल का क्या नाम है? तो सत्यदेव नारायण आर ए नाम है। त्रिपुरा के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो जस्टिस इंद्रजीत मोहंती नाम है। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 60 है। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रमोद सावंत गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। गोवा राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? तो PS श्रीधरन पिल्लई नाम है। ये PS भी रहेगा, PS श्रीधरन पिल्लई, जो गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोवा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो दीपांकर दत्ता नाम है। क्या नाम है? दीपांकर दत्ता नाम है। देख सकते हैं ये दीपांकर दत्ता नाम है। और गोवा राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 40 है। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फिर सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी। आप देख सकते हैं ये अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून जो शीतकालीन है और गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन है। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? तो गुरमीत सिंह नाम है। उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो विपिन सांधी नाम है। उत्तराखंड राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 5 है और राज्यसभा की सीट 3 है और विधानसभा की सीट 70 है। आप सभी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर कभी न कभी एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है भूपेश बघेल। आप सभी जानते हैं भूपेश बघेल को, इन्हीं देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम भूपेश बघेल है। देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल जो बनी है अनुसुईया उइके बनी है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी बने हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की सीट 11 है और राज्यसभा की सीट 5 है और विधानसभा की सीट 90 है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड, सही आंसर है योगी आदित्यनाथ जी। आप देख सकते हैं ये फोटो में, ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्हीं को भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। देखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? तो आनंदीबेन पटेल नाम है। उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो जस्टिस राजेश बिंदल नाम है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की सीट 31 है और विधानसभा की सीट 403 है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट है वो हर राज्य से सबसे ज़्यादा है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है एकनाथ शिंदे। आप देख सकते हैं ये वही एकनाथ शिंदे जी हैं। इन्हीं को भी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम एकनाथ शिंदे है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट 48 है और राज्यसभा की सीट 19 है और विधानसभा की सीट 288 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है जोरम थांगा। आप देख सकते हैं फोटो में, ये वही जोरम थांगा जी हैं जिन्हें भी हाल ही में मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम जोरम थांगा है। देखिए फ्रेंड्स, मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। मिजोरम राज्य के राज्यपाल का नाम है हरिबाबू कम्भमपति। मिजोरम राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रश्मि मनोहर भाई छाया। मिजोरम के राज्यपाल का क्या नाम है? सॉरी, मिजोरम के अंदर लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 40 है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है एन बीरेन सिंह। आप देख सकते हैं फोटो में, ये वही एन बीरेन सिंह है जिन्हें भी हाल ही में मणिपुर राज्य के अंदर नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम एन बीरेन सिंह है। देखिए फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर राज्य के राज्यपाल का नाम है लागणेशन। मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस पी वी संजय कुमार। मणिपुर राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 60 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है पेमा खाड़ू। देख सकते हैं पेमा खाड़ू को, ये वही पेमा खाड़ू हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम पेमा खाड़ू है। देखिए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है डॉक्टर बी डी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस रश्मिन मनोहर भाई छाया। अरुणाचल प्रदेश के जो लोकसभा की सीट है वो 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 60 है। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है नवीन पटनायक। देख सकते हैं फोटो में, ये वही नवीन पटनायक है जिन्हें भी हाल ही में उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस एस मुरलीधर। उड़ीसा राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 21 है और राज्यसभा की सीट 10 है और राज्य विधानसभा की सीट 147 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी। आप देख सकते हैं ये वही जगन मोहन रेड्डी है जिन्हें भी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन बाबू। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस प्रशांत कुमार शर्मा। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट 25 है और राज्यसभा की सीट 11 है और विधानसभा की सीट 147 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मेघालय राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कनराड संगमा को नियुक्त किया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, ये वही कोनराड संगमा है जिन्हें भी हाल ही में मेघालय राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। मेघालय राज्य के राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक। मेघालय राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस संजीव बनर्जी। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सभी ध्यान से याद कर लीजिएगा। मेघालय राज्य की लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फिर सही आंसर है हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये वही हेमंत सोरेन जी हैं जिन्हें भी हाल ही में झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फिर झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड राज्य के राज्यपाल का नाम है रमेश बैक। और झारखंड राज्य के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो जस्टिस रवि रंजन है। झारखंड की लोकसभा की सीट 14 है और राज्यसभा की सीट 6 है और विधानसभा की सीट 82 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फिर सही आंसर है के चंद्रशेखर राव। आप देख सकते हैं फोटो में ये वही के चंद्रशेखर राव हैं जिन्हें भी हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम के चंद्रशेखर राव है। देखिए फिर तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल जो है वो है तमिलसाई सौंदर राजन है और तेलंगाना राज्य की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस उज्ज्वल भोयन। तेलंगाना राज्य की लोकसभा की सीट 17 है और राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 119 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फिर तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं एमके स्टालिन। देख सकते हैं ये वही एमके स्टालिन हैं, इनको अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल का नाम है R.N. रवि। तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव बनर्जी। तमिलनाडु राज्य की लोकसभा की सीट 39 है और राज्यसभा की सीट 18 है और विधानसभा की सीट 235 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल का नाम है थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 28 है और राज्यसभा की सीट 12 है और विधानसभा की सीट 225 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखें फिर शिवराज सिंह चौहान जिसे मामा के नाम से भी जानते हैं। देखें फिर मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो शिवराज सिंह चौहान बने हैं, इनको मामा के नाम से भी जानते हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान हैं जो नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं जी मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो अंदर राज्यपाल हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आर बी मलिमथ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट 29 है और राज्यसभा की सीट 11 है और विधानसभा की सीट 230 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा राज्य की बात हो रही है तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। आप सभी ध्यान रखिएगा, हरियाणा राज्य के अंदर राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा राज्य के अंदर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस कुलदीप सिंह। हरियाणा राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 10 है और राज्यसभा की सीट 5 है और विधानसभा की सीट 90 है। आप सभी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, एक क्लास आपको कहीं नहीं कहीं पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। देख सकते हैं ये वही अशोक गहलोत जी हैं जिन्हें भी हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम अशोक गहलोत है। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। राजस्थान राज्य के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र।
राजस्थान राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस एस.एस. शिंदे। राजस्थान राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 25 है और राज्यसभा की सीट 10 है और विधानसभा की सीट 200 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के अंदर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भूपेंद्र भाई पटेल, आप देख सकते हैं ये वही भूपेंद्र भाई पटेल हैं जो गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फिर बात हो रही है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस अरविंद कुमार। गुजरात राज्य के अंदर लोकसभा की सीट 26 है और राज्यसभा की सीट 11 है और विधानसभा की सीट 182 है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।